हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 समर्चनम ऑफ आवर जीएससीबी संस्कृत टेक्स्ट बुक। इट इज स्टैंडर्ड 9th संस्कृत टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 1 समर्चनम। समर्चनम मीन्स वर्शिप, पूजा करना, अर्चना करना। तो चैप्टर 1 है हमारा समर्चनम। और जैसा कि हमारी परंपरा होती है कि कोई भी अच्छा काम शुरुआत करने से पहले हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो उसी परंपरा को निभाते हुए हमारी संस्कृत की टेक्स्ट बुक का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है समर्चनम। The Vedas are the authentic and authoritative books of ancient Indian society and religion. वेद जो होते हैं वो हमारे इंडियन सोसाइटी के और धर्म के प्रामाणिक और आधिकारिक विश्वसनीय धर्म ग्रंथ हैं। There are 4 Vedas. चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो चार वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। द वर्सेस ऑफ द वेदास आर कॉल्ड मंत्रास। जो वर्सेस हैं यानी कि जो छंद हैं उनको मंत्र कहा जाता है। जो वेदों के छंद हैं उनको मंत्र कहते हैं। इन द वेद मंत्रास There is sometimes incantation, rhymes of praise, ब्रैकेट में दिया हुआ है, यानी कि rhymes of praise means स्तुति के भजन, and sometimes prayer. तो यहाँ पर बताया गया है कि in the Vedas, वेद मंत्रों में यहाँ पर कभी कभी तो ये जो छंद होते हैं ये क्या होते हैं, मंत्र होते हैं, और कभी कभी स्तुति के भजन के रूप में होते हैं, एंड समटाइम्स प्रेयर, और कभी कभी ये प्रेयर होते हैं यानी प्रार्थना होते हैं। समटाइम्स देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी एंड समटाइम्स डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज। तो यहाँ पर बताया गया है कि कभी कभी वे किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन होते हैं यानी कि वर्णन करते हैं किसी का, या कभी कभी डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज, और कभी कभी दार्शनिक बातें होती हैं। इन द प्रेजेंट लेसन, इस लेसन में ओनली 3 मंत्रास ऑफ इनकांटेशन, प्रेयर एंड वर्शिप हैव बीन इंक्लूडेड। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन द प्रेजेंट लेसन यानी कि इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही मंत्र हैं जो कि क्या हैं, छंद है, सॉरी मंत्र है, प्रेयर है और वर्शिप के रूप में भी इंक्लूड किए गए हैं यानी वर्शिप भी है। इंस्पायर्ड बाय द वेदास एक्सेट्रा मेनी हाइम्स एंड प्रेयर्स हैव बीन कंपोज्ड इन डिफरेंट मीटर्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि वेदों से इंस्पायर होकर के बहुत सारे हाइम्स यानी कि भजन और प्रेयर कंपोज किए गए हैं, अलग अलग छंदों में कंपोज किए गए हैं, विच हैव बीन प्रिजर्व्ड इन ह्यूमन माइंड, जो कि ह्यूमन माइंड में प्रिजर्व या सुरक्षित करके रखा जाता है, एंड रीच्ड अस और हम तक पहुँचते हैं। प्रेजेंटेड हियर आर 3 सच हाइम्स ऑफ प्रेज। तो यहाँ पर 3 हाइम्स प्रेस के प्रेजेंट किए गए हैं। वी हैव द ट्रेडिशन ऑफ हैविंग एन इन्वोकेशन एट द बिगनिंग ऑफ द बुक। तो यहाँ पर बताया गया है कि वी हैव द ट्रेडिशन, हमारी परंपरा जो होती है वो क्या होती है, इन्वोकेशन मीन्स मंगलाचरण करना या आह्वान करना या वंदना करना। तो हमारी जो ट्रेडिशन होती है वो सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत होती है। तो शुरुआत में चैप्टर के हमें
ये समर्चनम जो चैप्टर दिया गया है वो क्या है, वंदना है, और या फिर हम मंगलाचरण भी बोल सकते हैं। विद दैट इन माइंड लेट अस बीइंग आर लर्निंग ऑफ संस्कृत विद एन इन्वोकेशन। तो अपने माइंड में हम भगवान को याद करते हुए उनकी स्तुति करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये बताया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ओम बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है ऋग्वेद से लिया हुआ, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये ऋग्वेद से लिया गया हुआ है जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। अभी यहाँ पर वैदिकम, वैदिकम में यहाँ पर तीन वर्सेस दिए गए हुए हैं, जो कि पहला जो है ऋग्वेद से लिया गया है, दूसरा और तीसरा यजुर्वेद से लिया गया है। तो सबसे पहला है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातम। तो यहाँ पर बताया गया है मैं अग्निदेव, यहाँ अग्निदेव को पुरोहित कहा गया है, ऐसे पुरोहित जो हमसे यज्ञ करवाते हैं, दिव्य प्रकाश के कारण प्रकाशमान देवता है, आहुतियाँ देने वाले और रत्न धारण करने वाले देवता से मैं प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सेकेंड है अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तक्षकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम ऋतात सत्यमुपैमि। तो सेकेंड में जो बताया गया है, सेकेंड वर्सेस में, हे अग्निदेव व्रतों के स्वामी, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा का पालन करूँगा, तुम्हारे व्रत का पालन करूँगा। व्रत का पालन करने में मैं समर्थ हूँ और मुझे सिद्धि प्राप्त हो, ताकि मैं असत्य से सत्य की ओर जाऊँ। थर्ड नंबर है नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो थर्ड श्लोक में बताया गया है कल्याण और सुख को जन्म देने वाले शंकर भगवान को नमस्कार करता हूँ, कल्याण करने वाले और सुख की ओर ले जाने वाले शंकर भगवान को नमस्कार हो, जो शिव परम कल्याण रूपी हैं, अति कल्याणकारी हैं, उन्हें नमस्कार है। तो सेकंड पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पर है लौकिकम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यः गायन्ति यम समग्रा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुर गणाः देवाय तस्मै नमः। तो ये हमारा है फोर्थ नंबर का श्लोक। ब्रह्मा वरुण इंद्र तथा अन्य देवता जिनकी दिव्य उत्कृष्ट वाणी से स्तुति करते हैं, सामवेद के स्रोतों, सामवेद के स्रोत वेदों पद पाठ तथा उपनिषद के छह सहायक अंगों से गाते हैं। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुर गणाम देवाय तस्मै नमः। ध्यान की वह अवस्था जिनको योगी जन अपने पहुँचे हुए मन से देखते हैं, जिनकी अंतिम सीमा राक्षस और देवता भी नहीं जानते, उस भगवान को मेरा नमस्कार हो। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम
गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चय पदानाम नियंत्री त्वमेकम परेशाम परम रक्षकम रक्षकानाम। तो फिफ्थ श्लोक का अर्थ हम देख लेते हैं। हे ईश्वर, आप भयानक वस्तुओं में भय की अनुभूति, सभी जीवित प्राणियों का आश्रय, पवित्र वस्तुओं में पवित्रता, बहुत ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्ति के तुम ही एक नियंत्रक हो, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो तथा रक्षकों के रक्षक हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। वयम त्वाम स्मरामो, वयम त्वाम भजामो, वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामः, सदेकम निधानम निरालंब मिशम भवाम्भोधिपोतम शरण्यम व्रजामः। तो सिक्स नंबर श्लोक का अर्थ देख लेते हैं हम। हे ईश्वर, हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, हम तुम्हारा भजन करते हैं, हम आपके प्रति समर्पित हैं, जगत के साक्षी रूप हम आपको प्रणाम करते हैं, आप शाश्वत निधि स्वावलंबी भगवान हैं, हम आपका सहारा लेते हैं, आप इस संसार रूपी सागर को पार कराने में एक नाव के समान हैं, हमें आपकी शरण में लीजिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का अर्थ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लोसरी, और ये हमें चैप्टर लर्न करने से पहले, चैप्टर पढ़ने से पहले ग्लोसरी लर्न होनी चाहिए, ताकि हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन इंग्लिश में दिया गया है, तो श्लोक नंबर 1 का जो ट्रांसलेशन है वो देख लेते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन नंबर 1 श्लोक जो है, अग्नि मिले, आई प्रे टू अग्नि फायर गॉड, द प्रिसिप्टर ऑफ सेक्रीफाइस, द डेटी ल्यूमिनस ओइंग टू डिवाइन लाइट एंड द ऑफिशिएटिंग priest of sacrifice, the one offering oblation and wearing gems. Second number श्लोक है, अग्ने व्रतपते, ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वोज, आई विल ऑब्जर्व यू वो, लेट इट be made successful so that I shall go towards the truth from the falsehood. Next, third number देख लेते हैं। Third number है नमः शंभवाय, salutation to the one who gives birth to welfare and happiness, salutation to the one who brings well-being and leads to happiness, salutation to the one who is the final bliss and who brings greater welfare. Fourth number श्लोक का English translation देख लेते हैं। Fourth number श्लोक है, ब्रह्मा वरुणेंद्र, salutation to the god whom ब्रह्मा वरुण इंद्र and other deities praise with divine excellent words, whom those who sing the hymns from 9140 sign with six auxiliary parts of Ved, Padpath, Grampath and Upanishad, whom the yogis see with their mind that has reacted the stage of meditation, whose final limit even the demands and gods do not know. Next, fifth number shlok, bhayanam bhayam bhishadam, O God, you are the fear in the fearful things and refuse of all living beings, the
द स्केयर सेक्रेडनेस अमोंग द सेक्रेड थिंग्स कंट्रोलर ऑफ द पर्सन होल्डिंग वेरी हाई पोस्ट द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ द एक्सीलेंट एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द प्रोटेक्टर्स. लास्ट श्लोक श्लोक है वयम त्वाम स्मरामो. वी रिमेंबर यू. वी आर डिवोटेड टू यू. वी बो डाउन टू यू. द विटनेस टू द वर्ल्ड. यू आर द एक्सटर्नल ट्रेसर. सी सपोर्टिंग गॉड. वी रिसोर्ट टू यू. द प्रोटेक्टर. यू आर अ बोट इन द ओशन इन द फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड. तो यह इंग्लिश ट्रांसलेशन फिनिश होता है. इसके आगे कुछ चीज़ें हमारे टेक्स्ट बुक से दे रखी गई हैं जिनको लर्न करना होता है. जैसे प्रोनाउन दे रखा हुआ है, एडजेक्टिव क्या है. तो ये सब चैप्टर में जो प्रोनाउन आए हुए हैं, जो एडजेक्टिव आए हुए हैं, एडवर्ब आए हुए हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करनी है, लर्न होनी चाहिए. कंपाउंड दे रखा हुआ है, रूट दे रखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ नोट्स दे रखे गए हैं, वर्ड मीनिंग दे रखी है. ये सब लर्न होने चाहिए ताकि चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके. तो ये संस्कृत की प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो ये सब हम लर्न कर लेंगे. अभी हम आगे देख लेते हैं, एक्सरसाइजेस पर आ जाते हैं. तो एक्सरसाइजेस में दे रखा गया है, सबसे पहले अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत. तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं. कम पुरोहितम इडे. सेकंड है यज्ञस्य देवः कः अस्ति. थर्ड है अहम किम चरिष्यामि. फोर्थ दिव्य स्तवः के स्तुवन्ति. फिफ्थ है वयम कम शरणं व्रजामः. तो इनके आंसर देख लेते हैं 5 क्वेश्चंस के. कम पुरोहितम इडे. आंसर है अग्निम पुरोहितम इडे. सेकंड नंबर यज्ञस्य देव कः अस्ति. यज्ञस्य देव अग्नि अस्ति. थर्ड नंबर अहम किम चरिष्यामि. आंसर अहम अनृतात् सत्यम प्रतिगमनाय व्रतम चरिष्यामि. फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिव्ये स्तवे के स्तुवन्ति. ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मारुता च दिव्येह स्तवेह स्तुवन्ति. फिफ्थ नंबर वयम कम शरणं व्रजामः. वयम निरालंबम ईशम शरणं व्रजामः. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकोष्ठात उचितं पदं चित्वा वाक्यपूर्तिं कुरुत. ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से उचित पद चुन करके रिक्त स्थान में भरना है, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स है. तो सबसे पहले क्या है, नंबर 1 पर अहम रत्न धातम इडे. अहम डैश रत्न धातम इडे. राइट ऑप्शन होगा अग्निम. तो यहाँ पर हम लिख देंगे अग्निम. जो हमने टिक लगाया हुआ है वो राइट आंसर है. सेकंड नंबर इदम अहम उपैमी. इदम अहम डैश उपैमी. तो राइट ऑप्शन होगा सत्यम. इदम अहम सत्यम उपैमी. तो हमने सत्यम को टिक लगाया है, तो सत्यम हम खाली जगह में लिख देंगे. थर्ड नंबर योगिनः डैश पश्यन्ति. तो यहाँ पर हो जाएगा मनसा. योगिनः मनसा पश्यन्ति. मन से देखते हैं योगी, तो मनसा हो जाएगा. नंबर 4 सुरासुर गणाः देवस्य डैश न विदुः. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है अंतम. सुरासुर गणाः देवस्य अंतम न विदुः. फिफ्थ नंबर वयाम त्वाम जगत साक्षी रूपम डैश नमामः. राइट आंसर हो जाएगा नमामः. वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामः. प्रकोष्ठात
प्रकोष्ठगतं पदं प्रयुज्य अधोलिखितानि वाक्यानि प्रश्नार्थ स्वरूपे परिवर्तयत। तो यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनका यूज करके क्वेश्चन बनाना है, आंसर है क्वेश्चन बनाना है। तो पहला है देवाय नमः, ब्रैकेट में है कस्मै, तो क्या हो जाएगा कस्मै नमः। सेकंड नंबर सांग पद क्रमोपद निषदे वेदैः समग्रा गायन्ति, तो क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर ही करेक्शन कर दिया गया है कि आंसर कैसे बनेगा, के वर्ड यूज करना है, तो हमने समग्रा को काट करके क्या कर दिया है के लिख दिया है, तो समग्रा की जगह अगर हम के लिख दें तो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, सांग पद क्रमोपद निषदे वेदैः के गायन्ति, हो गया हमारा क्वेश्चन तैयार। थर्ड नंबर देख लेते हैं योगिनः देवं पश्यन्ति, तो कम वर्ड यूज करके हमको क्या बनाना है क्वेश्चन बनाना है, योगिनः कम पश्यन्ति। अभी आगे है अधोलिखितानां प्रश्नानां मातृभाषायां उत्तराणि लिखत, तो यहाँ पर मातृभाषा में लिखने का मतलब है कि संस्कृत में हमें जैसे जितने भी ये क्वेश्चन आएंगे ना मातृभाषा में लिखने के लिए, ये हमको इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखने हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम एंड में देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। विच स्पेशल क्वालिटीज ऑफ अग्निदेव हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द मंत्र। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर विच वो हैज बीन टेकन फ्रॉम अग्नि। थर्ड नंबर हुज दर्शन डू द योगीज हैव हाउ। फोर्थ नंबर हाउ इज द डिवाइन क्वालिटी ऑफ द वन इन होम द डिवोटीज टेक रेफ्यूज। तो ये हम आगे देख लेंगे, पहले हम बचे हुए एक्सरसाइजेस देख लेते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करेंगे। फिर फिफ्थ नंबर है श्लोक पूर्ति कुरुत, तो श्लोक तो अभी हमने पढ़े थे तो श्लोक हम वहाँ से कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के चैप्टर से। तो फर्स्ट श्लोक में क्या बोल रहे हैं, अग्नि मीले से लेकर के रत्न धातम, तो ये पहला नंबर का जो श्लोक है वो पूरा पूरा आ जाएगा। सेकंड नंबर पे बोल रहे हैं नमः शंभवाय से लेकर के शिव तराय च तक लिखना है, तो श्लोक नंबर 3 आ जाएगा कंप्लीट ये। थर्ड नंबर है वयम त्वाम स्मरामो से लेकर के व्रजामह तक, तो ये हमारा लास्ट श्लोक जो था श्लोक नंबर 6 वो पूरा पूरा लिख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है क विभागम ख विभागेन स यथार्थ रीत्वा संयोजयत, यानी कि मैच करना है तो मैच में यहाँ पर नंबरिंग कर दी गई है, एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 अग्निम को हमने पुरोहितम से मैच किया है, शिवाय को हमने नमः से मैच किया है, दिव्यह को हमने थर्ड नंबर कहाँ है स्तवह से मैच किया है, और अंतम फोर्थ नंबर को हमने न विदुह से मैच किया है, फिफ्थ नंबर समग्रा को हमने गायंती से मैच किया है, एंड गति को हमने प्राणी नाम से मैच किया है। अभी यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दे गई है, ये करना नहीं है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे ना वो करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, विच स्पेशल क्वालिटीज ऑफ अग्निदेवा हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द मंत्र। आंसर इज इन द फर्स्ट मंत्र ऑफ ऋग्वेद अग्निदेव इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रिसिप्टर ऑफ सेक्रीफाइस एंड द फैमिली प्रीस्ट हु कंडक्ट्स ऑल सेरेमोनियल राइट्स ऑफ द हाउस होल्डर, ही इज द वन हु मेक्स द हाउस होल्डर परफॉर्म द सेक्रीफाइस, ही इज द गॉड विथ डिवाइन लस्टर,
ही वियर्स प्रीसियस जेम्स। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विच वो हैज बीन टेकन फ्रॉम अग्नि। द वो ऑफ फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रुथ लीविंग द पाथ ऑफ फॉल्सहुड हैज बीन टेकन फ्रॉम अग्नि। थर्ड नंबर क्वेश्चन हूज दर्शन टू द योगीज हैव हाउ। द योगीज आर एबल टू हैव दर्शन ऑफ गॉड व्हेन देयर माइंड रीच द स्टेज ऑफ मेडिटेशन। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन हाउ इज द डिवाइन क्वालिटी ऑफ द वन इन होम द डिवोटीज टेक रिफ्यूज। आंसर इज द वन इन होम द डिवोटीज टेक्स शेल्टर इज द डिवाइन प्रिंसिपल दैट इज द फियर ऑल द फियरफुल थिंग्स। इट इज द टेरर इन टेरिबल थिंग्स। इट इज द रियल प्रोटेक्टर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। इट कंट्रोल्स दोज हु ऑक्यूपाइज द हाई पोस्ट। इट इज हायर देन द हाइएस्ट इन वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू। टेक केयर।